याद है क्या सर? आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या बात है, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पधारे हैं और मेरे भाई का, मेरे छोटे भाई का जो है जन्मदिन मनाने के लिए आप लोग आए हैं। मैं हिमालय भाई के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। हिमालय भाई राजस्थान के चूरू जिले के रहने वाले हैं। क्या राजस्थान में तीन जिले हैं, सीकर, चूरू, झुंझुनू, शेखावाटी कहलाती है। मेरे भाई ने गांव की गलियों में खूब खेला खाया, गांव में काम किया, गाय भैंसों का काम किया, ऊंटों का किया, खेती का किया। उसके बाद जब जवान हो गए तो मुंबई आ गए और आकर के इस ग्लैमर की दुनिया के अंदर इन्होंने अपनी कोशिश की और काफी सालों के बाद मेहनत करते करते, कहते हैं कि मेहनत का फल जरूर मिलता है, कृष्णा ने कहा था कि कर्मशः ही प्रधानम्। मेरे भाई ने, छोटे भाई ने हिमालय ने काम किया, मेहनत की और आज ये मुंबई की ग्लैमर की दुनिया में आज एक कास्टिंग डायरेक्टर कामयाब हो गए। मैं मेरे छोटे भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि मेरा भाई आगे बढ़ता रहे, कास्टिंग के साथ साथ अपने फिल्म बनाए, अपने नए नए वेब सीरीज बनाए, प्रोजेक्ट बनाए। मेरी शुभकामनाएं मेरे भाई के साथ हैं। थैंक यू मेरे छोटे भाई, भगवान आप। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग आज बर्थडे मना रहे हैं तो हम सब लोगों के लिए खुशी की बात है, खुशी का दिन है। और मेरे लिए तो इसलिए खुशी का दिन है, हिमालय अग्रवाल साहब मेरे ऊपर हमेशा मेहरबान रहे और मुझे आज जन्मदिन मनाने का मौका मिल रहा है। और दूसरा खुशी का दिन ये है कि मेरे 50 साल एज एन एक्टर होने में कुल एक महीना बाकी है। करेक्ट, पार्टी पक्की है। 10 अक्टूबर का, 10 अप्रैल का दिन मेरे लिए गोल्डन जुबली टाइम होगा। हमारे पार्टी पक्की है। मुझे काम करते करते कैमरे के सामने रहते रहते 50 साल हो जाएंगे पार्टी की। और ऐसा लगता है जैसे मैंने अभी तक काम ही नहीं किया है, एकदम फ्रेश, नो टेंशन, नो फ्रस्ट्रेशन, नो डिप्रेशन। और मैं आप सब लोगों को उम्मीद रखता हूँ कि आप इन चीजों को अपने पास में बुलाइए। मैंने बड़े बड़े लोगों का फ्रस्ट्रेशन, टेंशन और डिप्रेशन देखा है। क्या बात है, बड़े बड़े कामयाब आदमी जो है भीख मांगने लगे थे, बड़े बड़े कामयाब आदमी। इस लाइन में चूंकि मुझे मौका मिला है बोलने का तो मैं तीन ही बात बोलूंगा, डिप्रेशन, टेंशन और फ्रस्ट्रेशन। जिस आदमी को फिल्म इंडस्ट्री में, चाहे वो चाय बेचने वाला एक्सपोर्ट बॉय या प्रोड्यूसर डायरेक्टर, कोई भी स्टार है, अगर ये तीन चीजों का सहारा नहीं लेगा तो मेरा दावा है कि बहुत आगे जिएगा, बहुत कामयाब होगा और कामयाब होके हमेशा कामयाब रहेगा। यहाँ ज्यादातर लोग 2-4 साल के लिए कामयाब होते हैं, बाद में पता ही नहीं पड़ता किधर गए वो ड्यू टू फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन और टेंशन है। तो मैं जब भी बोलता हूँ यही बोलता हूँ कि इन तीनों चीजों को अपने पास मत रखो। और चौथा बड़ा दुश्मन है ईगो। मैं ईगो एक ऐसी चीज है जो भिखारी में भी होती है और राजा में भी होती है। जो इस राक्षस से दूर हो गया 100% वो सुखी रहेगा और कामयाब होगा। चूंकि सभी लोगों को बोलना है और मैं ज्यादा बोलूंगा क्योंकि मेरा अनुभव इतना ज्यादा है कि मैं घंटों बोल सकता हूं किसी तरह से, लेकिन उसका मकसद कुछ नहीं है। जो मैंने बोला उसका ध्यान रखेंगे, सब लोग खुशी हो जाएंगे, सब लोग सुखी हो जाएंगे और सबको बहुत अच्छा अच्छा महसूस होगा। अंत में मैं हिमालय अग्रवाल साहब को जन्मदिन की दोबारा मुबारकबाद देता हूं। और जिस तरह से हिमालय अग्रवाल साहब जो काम कर रहे हैं, जिस तरह से हर आदमी को काम दे रहे हैं, जिस तरह से सब आदमी से अच्छी तरह से बात करते हैं, इस नेचर को हमेशा कामयाब रखें और कायम रखें। दोनों चीज जरूरी है, कामयाब और कायम। निश्चित रूप से कल की ये बहुत बड़ी पर्सनैलिटी बनने जा रही हैं और जिस तरह से आज ये नया काम स्टार्ट कर रहे हैं, जो मुहूर्त कर रहे हैं कि अब बड़ी बड़ी कास्टिंग करेंगे, मेरी शुभकामना है इसी तरह से आगे बढ़ते जाए। ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय, जय हिंद, शाबाश रमेश भाई, शाबाश, थैंक यू, थैंक यू।
की सालगिरह पर विश करना चाहूंगी हैप्पी बर्थडे, आप दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करें इंशाल्लाह आमीन। और जिस मकसद से मतलब आज का दिन इन्होंने चुना है कि मुझे कुछ नया काम करना है, नई अपॉर्चुनिटीज के लिए, अल्लाह उन्हें कामयाबी दे आमीन। और बहुत ही डाउन टू अर्थ है, मैं जब इंडस्ट्री में आई थी मुझे मालूम है जब मैं इनसे नई नई मिली थी तो कास्टिंग के लिए मैं भी चक्कर काटती थी। हर कोई इंसान छोटे से शुरुआत करता है तो एक कहीं ना कहीं लेवल पे पहुंचता है, इंसान का एक एम होता है। तो आज मालिक की कृपा से मैं इस मुकाम पर पहुंची हूँ गदरपुर में, एज ए मैन बीच की मदर का रोल मैंने प्ले किया है और मैं उनके लिए मेरी हमेशा गुड विशेष रहेगी। हिमालय जी बहुत डाउन टू अर्थ है और सीरियसली दिल से मेरी दुआ है कि ये आज बहुत ही अच्छा काम शुरू करने जा रहे हैं। बड़ी बड़ी कास्टिंग जो कि इन्होंने सोचे लीड को कास्ट करना और प्राइमरी लीड कास्ट करना, तो उसके लिए मेरी तहे दिल से दुआ है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। कैसा एक्सपीरियंस रहा गदर का आपका? गदर का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, लाइक कास्टिंग बहुत बड़ी थी तो हमें एक फैमिली जैसा माहौल मिलता था और मैं आज भी बोलती हूँ कि गदर ने मुझे एक फैमिली दी है। तो जहाँ कहीं भी हम लोग मिलते हैं हम सब लोग पूछ जाते हैं कि क्या किस चीज की कमी है, बस हंसी मजाक खुशियाँ यही हम लोग बिखेरते रहते थे गदर के सेट पर। कुछ क्या बहुत सारी यादें हैं। सनी पाजी के साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस? सनी सर बहुत ही कूल हैं और काफी अच्छे इंसान हैं, लाइक उनके साथ काम करना अपने को आर्टिस्ट को काफी कंफर्टेबल महसूस करते हैं कि मतलब उनमें ये चीजें नहीं कि मैं सनी देओल हूँ या मैं इतने साल से हूँ। जो चीजें मैंने उनमें देखी है काफी डाउन टू अर्थ है, बहुत अच्छे इंसान है। किरदार जो है उत्कर्ष के साथ उत्कर्ष और सिमरत लाइक दोनों बहुत चुलबुले और बहुत अच्छे इंसान है, उनकी तबीयत दिखाई देती है। अनिल सर ने जिस तरीके से उत्कर्ष की तबीयत दी है, लाइक परवरिश की है, तो वो आप उत्कर्ष की बातों में महसूस कर सकेंगे कि वाकई में उत्कर्ष बहुत अच्छा इंसान है और अच्छे इंसान होने के साथ साथ अच्छा एक्टर भी है। और सिमरत चुलबुली है जैसे कि मेरी बेटी है सारा, तो सिमरत में मैं अपनी बेटी ही नजर देखती थी, मुझे वही नजर आती थी। आप उत्कर्ष की मम्मी बने? नहीं, मैं सिमरत की मम्मी बनी हूँ और सिमरत से जो मेरा बॉन्ड है वो काफी अच्छा है। उत्कर्ष से भी शायद आप एक गाना होगा दिल झूम झूम, उसमें आप देख सकते हैं कि वो किस तरीके से मुझे मना रहा है, मेरी तारीफें कर रहा है, तो वो मुझे काफी अच्छा लगा और पब्लिक को भी काफी अच्छा लगा। आप दोनों फ्रेम में क्या कहना चाहेंगे सर आज बर्थडे के बारे में? जैसा हमारे मित्रों ने बताया है ये सब बहुत सीनियर एक्टर हैं और इन लोगों का साथ मिला है तो मैं आज यहाँ पर पहुँचा हूँ। पिछले 17 साल से कास्टिंग की दुनिया में हूँ और छोटे छोटे कास्टिंग छोटी छोटी तकलीफें देखी है कि एक फिल्म को बनाने में कास्टिंग की बहुत बड़ी भूमिका होती है कि जितनी अच्छी कास्टिंग होगी उतनी लगभग थोड़ी अच्छी और उतनी अच्छी हो, चाहे वो एक जूनियर आर्टिस्ट का कलाकार हो, जूनियर आर्टिस्ट की तरह काम कर रहा हो, या वो सीनियर एक्टर हो या मूवी का एक्टर हो, सबकी अहम भूमिका होती है, सबकी अपनी जिम्मेदारी होती है एक फिल्म को बनाने में। तो जब से मैंने इंडस्ट्री में पाव रखा है मेरे घर से कोई नहीं था, मैं पहला इंसान हूँ जो फिल्म इंडस्ट्री में आई, तो धीरे धीरे सीखते सीखते सबकी सब ये सब मेरे सीनियर एक्टर हैं जिन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे काम करते हैं, कैसे इंडस्ट्री को लाते हैं। कुछ सालों के बाद में जब मैं पहली फिल्म बनी थी अग्निपथ, तो वहाँ के असिस्टेंट डायरेक्टर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत हेल्प करी कि कैसे कास्टिंग करनी है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो उसके बाद से जो मेरी जर्नी शुरू हुई है आज तक अंत नहीं हुआ है और मैं फ्यूचर कास्टिंग सेकेंडरी कास्टिंग इसीलिए करता हूँ कि इंडस्ट्री में आने वाले हर कलाकार को काम मिले, वो डर डर का ठोकर न खाए और अपने रोजमर्रे की जिंदगी को जिए। अगर फीचर कार भी करता है तो इज्जत से कमा रहा है और इज्जत से खा रहा है, अगर वो इज्जत से रहेगा और इंडस्ट्री में थोड़ा थोड़ा भी काम करता रहेगा तो आने वाले दिनों में उसकी तरक्की निश्चित। इसलिए मैं सभी को
किसी का निरादर नहीं करता। कल कौन मीना कुमारी बनेगा, कल कौन दिलीप कुमार बनेगा, पता नहीं है। इसलिए सबके साथ लेकर चलना, सबके साथ मिलकर काम करना, चाहे वो फीचर कास्ट का काम हो, चाहे वो सेकेंडरी कास्ट का काम हो, चाहे वेब सीरीज का हो, चाहे प्रिंटर का हो। लोगों को मैं मेरी तरफ से जरिया बन के मैं लोगों को काम दे पाऊँ, यही मेरी पहली कमना और यही मेरी पहली ख्वाहिश होती है। आज 70 साल की जिंदगी में मतलब इंडस्ट्री में बिलाते हुए हो गए, तो मैंने सोचा कि कुछ बड़ी बड़ी फिल्मों का बड़ी बड़ी फिल्मों की रिक्वायरमेंट आती है, तो बहुत सारे बड़े बड़े कलाकार हमारे कॉन्टेक्ट में आए हैं। इसी दरमियान इसी जर्नी में हमने उनसे मिले हैं, तो अभी आने वाले दिनों में जो भी प्राइमरी कास्ट के लोग हम उनमें भी कास्ट कर पाए। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े कलाकार जैसे अभी यूनिवर्सल जी हैं, इन्होंने बहुत काम किया है, बहुत सालों से किया है, आज सीनियर एक्टर बन गए। अभी रमेश गोयल जी हैं, इन्होंने कितने साल से काम किया है हमारे साथ, एक सीनियर एक्टर की तरह है। अभी करमवीर चौधरी जी हैं, जब ये आए थे सोच रहे थे आज इन्होंने काम किया है, एक सीनियर एक्टर की हैसियत से काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जिनके लिए मैंने अलग से डिपार्टमेंट खोला हुआ है, खोल रहा हूँ आज के बाद से, और उनका डिपार्टमेंट, उनका लुक आफ्टर करना, उनका मैनेजमेंट करना, उनका बजटिंग देखना, उनका मैनेजर का काम करना मैं करूँगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो दबे बैठे हैं, जिनको काम नहीं है, और बहुत सारे कलाकार हैं जिनके पास बहुत काम है, तो जो दबे बैठे हैं मैं उनको प्रपोज करूँ, उनको बड़ी जगह पहुँच करूँ, उनके लिए काम निकाल के लाऊँ। क्योंकि हमारे जो संपर्क है सर एक ग्रेड कैटेगरीज में, अभी मैं धर्मा के लिए काम करता हूँ, यशराज के लिए काम करता हूँ, मैडॉक के लिए काम करता हूँ, सुपर कैसेट के लिए काम करता हूँ, तो हमारी जो लिंक है, हमारी जो संपर्क है सब ए क्लास कैटेगरी में है। तो मैं चाहूँगा कि ए क्लास कैटेगरी के जो एक्टर हैं उनको ए क्लास कैटेगरी में दिया जाए। यशराज के साथ तो मैंने काम किया है इनके पास। कभी कभी क्या होता है ये प्रॉब्लम, इसलिए मैं बीच में क्यों आ रहा हूँ, कास्टिंग डायरेक्टर बन के आ रहा हूँ। जब काम एक फिल्म शुरू होती है तो बहुत सारे कलाकार का नाम दिमाग से निकल जाता है, पता नहीं होता कि कौन कलाकार अवेलेबल है, कौन कॉम्फर्ट होगा। इसलिए वो मैं जरिया बन रहा हूँ, मैं सबसे बात कर रहा हूँ, सबसे कनेक्ट कर रहा हूँ। कम से कम 4,000 लोगों से मैं कनेक्शन कर चुका हूँ, तो मैं इस कदम पे पहुँचा हूँ कि आने वाले दिनों में मैं प्राइमरी कास्टिंग करूँगा, साथ में फीचर भी करूँगा। एक नए कलाकार को फीचर कास्टिंग कर दूंगा, एक सीनियर कलाकार को मेजर कास्टिंग कर दूंगा, सबके लिए राम का खुले। थैंक यू सर, सबका आशीर्वाद लगता है, फीचर कास्ट वाले का भी आशीर्वाद। कोई आदमी शूट करने जाता है तो वो सीखता है, चाहे वो फीचर कास्ट हो चाहे वो जूनियर एक्टर हो। जब तक आप माहौल में नहीं जाएंगे आप सीखेंगे नहीं, तो ये एक तरह से लर्निंग पीरियड होता है। कुछ लर्निंग होती है, कुछ लर्निंग होती है, दोनों में उनका फायदा होता है। तो इसी के साथ मैं अपना काम शुरू करने जा रहा हूँ, और सब आप सबकी शुभकामनाएं मुझे चाहिए है, आप हमारे साथ जुड़े रहें, एक निरंतर कार्य करने का, निरंतर कार्य करने का, अच्छा कार्य करने का मेरा मकसद है। मैं चाहता हूँ आप सबकी सहायता और आपका सहयोग। मैं बात अपनी खत्म करता हूँ, और मैं सबके साथ हूँ, कोई भी आए, नया है, पुराना है, बनाना से आए, कलकत्ता से आए, मैं सबका स्वागत करूँगा। एक कलाकार है जो नेशनल अवार्ड विनर है, इसमें कम लोगों में इस बच्चे ने इतना मुकाम हासिल किया है। मैं गर्वित हूँ कि आज ये बच्चा मेरा है, मेरे साथ है, और मैं इसके मुंह से ही सुनना चाहता हूँ इसकी जर्नी, तो ये आपको अपने बारे में बताएंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूँ वरुण बुद्धदेव। मैंने फिल्म की थी तुलसीदास जूनियर, जिसके लिए मुझे अपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से नेशनल अवार्ड मिला था बेस्ट चाइल्ड एक्टर के लिए। बाकी मैंने ऑस्कर अवार्ड विनिंग फिल्म RRR में भी मैंने एक पार्ट प्ले किया था, रामचरण सर का चाइल्डहुड प्ले किया था मैंने उसमें। बाकी ये 2023 में अभी मेरी 5 फिल्म रिलीज होने वाली है एज ए मेन लीड एक्टर। एंड बाकी मैं हिमालय सर के बारे में क्या बोलूँ, हम सब जितने भी कलाकार हैं, जो मेरे जैसे कलाकार चाइल्ड एक्टर, इन्होंने बहुत सारे कास्टिंग किए हमारे लिए फिल्म में, फिर एड्स में बहुत बार मेरी मदद की। एंड थैंक यू सो मच सर, क्योंकि आप हम सबको एक सहारा देते हो कि हम इस इंडस्ट्री में आए, और ताकि लोग हमें और पहचाने और हमें आगे और भी काम मिले। सो थैंक यू सो मच सर, और आपको हैप्पी बर्थडे एक और बार। थैंक यू सो मच सर।